हाँ तो 11th वालों कैसे हैं आप लोग? बढ़िया से गुजर रहा होगा आज का दिन, अभी अच्छा से ही गुजर रहा है। आप लोग को एक बात और बताना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे डेली सूचना के अनुसार तो पता कर ही रहे हैं कि हमारा क्या दिक्कत चल रहा है। तो ये महामारी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सतर्क रहें, घर से बाहर नहीं निकले, किसी भी बिना ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकले, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से। चलो आज हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो काम में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे बाबू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आज हमने आपको तो कोशिश किया था कि आपको दो क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे, लेकिन कुछ डिटेल में काम हुआ जिसके कारण आज हमारा तीसरा क्लास है। तो दो क्लास अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नहीं देखे हैं तो आप जाकर पीछे देख लें। तो इसको हम लोग पार्ट थर्ड कर देते हैं। तो पार्ट थर्ड में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो बच गया है उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। तो हमने सीख लिया पांच तरह से, आपको बताया थे कि पांच तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, जिसमें चार तरह से आपको बता दिए हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं ऑर्बिटल वाइज और बीटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसी शॉर्ट में इसको हिंदी में क्या कहेंगे, कक्षक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हुंड्स के नियम पे काम करता है, हुंड्स रूल पे काम करता है। और इस रूल के आधार पर सबसे अच्छा चीज़ जो पता चलता है वो पता चलता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस नियम के आधार पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं इसमें सबसे विशेष रूप से काम आता है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम आसानी से पता कर लेते हैं कि किस परमाणु में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जिस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं है। तो हम इस नियम के आधार पर काफ़ी आसानी से हम लोग काम कर लेते हैं। और इसके बारे में डिटेल में हमको क्वांटम नंबर में डिटेल में पढ़ना है, जो हम लोग 11th के दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये हम बेसिक के रूप में बता रहे थे, तो थोड़ा शॉर्ट में सोचे कि सारा बात बता देते हैं ताकि आपको केमिस्ट्री का शुरुआत करने में काफ़ी बढ़िया हो, काफ़ी आसान मिले, आपको दिक्कत नहीं हो किसी चीज़ को समझने में। तो ये सारा बात हमने बता दिया है, तो आज हमको शॉर्ट में आपको ये भी बता देते हैं। तो अगर आपने बोरबरी यानी शुरू से जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाते आ रहे हैं इसमें जो सबसे दो है ना वो सबसे मुख्य है। एक हमारा जो बोरबरी सिद्धांत यानी के एलिमेंट के द्वारा सीखे थे, दूसरा हम लोग उपकक्षा द्वारा सीखे थे। ये दोनों अगर आपको बनाने आ जाता है ना तो आप किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिएगा, चाहे वो आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, चाहे निष्क्रिय गैस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, चाहे कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। तो अगर आपको लिखने आ जाता है तो ये भी आसानी से लिखने आ जाएगा। तो कक्षक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ नहीं है बाबू, हम लोग कक्षक निकालने के लिए सीखेंगे कि किसमें कितने कक्षक पाए जाते हैं, ऐसे 2n+1। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसमें कितने कक्षक होते हैं वो सब निकालते हैं। अभी हमको देखना है बस कि हम लोग कैसे पता करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर हमको ए पहला कक्षा में पता करना हो या एस में पता करना हो तो 2l+1 ये हमारा कक्षक निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग एस उपकक्षा में निकालना चाहेंगे कि एस कक्षक, एस में कक्षक की संख्या कितना है, तो हम लोग यहाँ से काम कर लेंगे। और एल है जो कहाँ से, तो पहला कक्षा से शुरू होता है, तो पहला कक्षा में एल बराबर क्या होता है बाबू, 0। तो इस आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि एस में कक्षक की संख्या कितना हो जाएगा, तो एल है 0 हो जाएगा, तो 2 × 0 = 0। चलो निकाल कर दिखा देते हैं कक्षक की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये छोटा सा हम लोग पॉइंट देख लेते हैं, फार्मूला है बाबू 2l+1, जहां l आप लोग को पता है कहां से शुरू होता है, l greater than equal to 0। अब चलो यहां पर सबसे पहला कक्षक कौन है, s। हमारे पास कौन कौन से उपकक्षक के आधार पे कौन कौन से कक्षक है, s p d और एप, ये चार ऑर्बिटल हमारे पास है। अभी चारों ऑर्बिटल में पता करना चाहते हैं कि किसमें कितना कितना होता है, तो एक बार आपको बता देना चाहते हैं कि जो उपकक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसका आधा कक्षक होता है, उसका आधा क्या होता है, कक्षक होता है। तो हमने क्या सीखा था बाबू, किसी भी उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने के बराबर, तो 2 × 2l+1 के बराबर होता है। इसका अगर हम आधा कर देते हैं तो हमको क्या निकल जाएगा, कक्षक की संख्या, जो अभी हमने बताया कि किसी भी उपकक्षा को अगर हम आधा कर देते हैं, उपकक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर हम आधा कर देते हैं तो कक्षक की संख्या निकल जाता है, क्योंकि हमको पता है कि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल यानी 2l+1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर हम एस में देखें तो l = 0 फॉर्मूला है बाबू, 2l+1 यानी 2 × 0 + 1
जीरो जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक। इसी तरह से अगर हम लोग आगे देखें तो P में हमको L बराबर वन मिलेगा, तो बाबू दो गुना एक प्लस एक यानी दो में एक से करेंगे तो दो हो जाएगा, दो में एक जोड़ेंगे तो तीन। इसी तरह से D में देखें तो L बराबर दो तो टू इंटू टू प्लस वन इक्वल टू फाइव। इसी तरह से अगर हम लोग F में देखें तो L इक्वल टू थ्री तो टू इंटू थ्री प्लस वन, तीन दूनी छः, छः एक सात। तो ये सभी हमको क्या निकल गया, कक्षक की संख्या। अब हुंस नियम के आधार पर ये जो कक्षक है ना, ऑर्बिटल है ना, ऑर्बिटल को बॉक्स द्वारा डिनोट किया जाता है या एक्स बाई जेड द्वारा डिनोट किया जाता है। तो एक्स बाई जेड से कहीं आसान आपको बॉक्स बना के डिनोट करना होता है, तो इसको हम लोग बॉक्स द्वारा डिनोट करते हैं। तो जिस कक्षक में जितने कक्षक की संख्या है उतने बॉक्स से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एस में एक है, पी में कितना है तो तीन है, तो एक ही में तीन बॉक्स बनाना है, एक दो तीन। डी में कितना है तो पाँच है, तो हमको पाँच बॉक्स बनाना है, एक दो तीन चार पाँच। इसी तरह से एफ में कितना है, सात है, तो हमको सात बॉक्स बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन। तो ए हमें है क्या मिल रहा है, कक्षक ए मिल रहा है, एस ए मिल रहा है, पी ई मिल रहा है, डी ई मिल रहा है, एफ। अब सभी कक्षक के बॉक्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आपको बता देना चाहते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है तो दो होता है, यानी किसी भी कक्षक के एक बॉक्स में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और दोनों इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए हम आपको एक क्वांटम नंबर भी सिखाएंगे, चक्रण क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। तो उसमें आपको बताया जाएगा कि एक कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक क्लॉकवाइज होते हैं, तो एक एंटी क्लॉक यानी तीर के निशान से डिनोट किया जाता है। एगो ऊपर मुदे तो एगो नीचे मुदे, जो ऊपर रहता है उसको हम लोग घड़ी की दिशा कहते हैं यानी क्लॉकवाइज, और जो नीचे के तरफ तीर के निशान रहता है उसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉक यानी घड़ी के उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो इस तरह से हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन का चक्रण दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में कैसे घूमते रहता है, तो घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, जब ये ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ये नीचे जाएगा तो ऊपर आएगा, यानी इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है प्रत्येक ऑर्बिटल में। तो हम लोग इस तरह से प्रत्येक कक्षक में ऑर्बिटल में क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को तीर के निशान से डिनोट करते हैं। अब ये तीर के निशान को हम लोग हाफ से भी डिनोट करते हैं, यानी इधर से सिर्फ ऐसे और इधर से सिर्फ ऐसे, यानी इधर से ही जा रहा है, इसको धक्का देगा तो फिर नीचे जाएगा, इसको धक्का देगा तो फिर नीचे जाएगा। ए वाला जब आएगा तो इस शेप में चल जाएगा, ए वाला जब इधर जाएगा तो इस शेप में चल जाएगा। तो हम लोग किसी भी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को इस कंडीशन में डिनोट करते हैं। अब एक बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने वाली है, हुंस नियम के आधार पर एक बात बताया गया है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का अभिविन्यास करने के लिए प्रत्येक कक्षक में जब तक पूर्ण रूप से क्लॉकवाइज में बॉक्स नहीं भर जाता है, यानी जितना बॉक्स है इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन है, अगर उस इलेक्ट्रॉन से इस बॉक्स का जब तक पूर्ण रूप से यानी वो ऊपर यानी कि किस क्लॉकवाइज में जब तक पूर्ण रूप से नहीं भरता है, जब तक विपरीत इलेक्ट्रॉन में नहीं सजाएंगे, यानी जब तक किसी भी कक्षक पूर्ण रूप से क्लॉकवाइज से नहीं भरता है हमको एंटी क्लॉकवाइज में उसमें इलेक्ट्रॉन को नहीं डालना होता है। तो ये सब छोटे छोटे नियम है जो आपको समझ में आएगा आसानी से, और यहाँ पर देख कर समझ जाएंगे। और इससे विशेष बात, बहुत सारे स्पिन क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे, क्वांटम नंबर सुनकर आप लोग को लग रहा हो कि क्या है क्वांटम नंबर, लेकिन बहुत ही सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम इतने अच्छे से सिखाएंगे कि आप किसी को तुरंत सिखा दीजिएगा तो वो आने दीजिए, जब दिन आएगा तब हम लोग काम करेंगे। तो चलो आज हम लोग शुरू कर लेते हैं कक्षक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसको ख़त्म करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आज देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग इसको करते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग करते हैं चैप्टर शुरू। तो चलो जल्दी से, ये सब भी ऐसे चैप्टर के आधार पर ही हो रहा है, फिर से हम रिविजन करवाएंगे, लेकिन ये सब भी हमको चैप्टर में ही पढ़ना है। चलो नोट कर लो, इसको नोट करना चाहे तो। अब चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना शुरू करते हैं। तो इसमें बताएं आपको कि सबसे मुख्य काम क्या होगा, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या आसानी से निकालेगा, सबसे विशेष काम इसमें यही है। चलो तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपको पता हो गया कि एस के पास कितना ऑर्बिटल रहेगा बाबू, तो एक, पी के पास तीन, डी के पास पांच और एफ के पास सात। और ये सभी ऑर्बिटल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बॉक्स से, अभी हमने बता दिया था। और प्रत्येक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक क्लॉक तो दूसरा
एंटी, जब तक क्लॉक से नहीं भर जाए जब तक एंटी में नहीं जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के पास परमाणु संख्या कितना है? एक है। तो हमको क्या पता करना होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही है ना, क्योंकि हमको पता है कि जब वो न्यूट्रल रहता है तो उस कंडीशन में जेड बराबर पी और पी बराबर ई, यानी जितना परमाणु संख्या रहेगा उतने प्रोटॉन की संख्या रहेगा उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या है एक। अब हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 1s1। जब तक आपको ये उपकक्षा द्वारा लिखने नहीं आएगा तब तक शायद आपको इस तरह से भी सजाने नहीं आएगा। तो आपको उपकक्षा द्वारा यानी अफवाहू सिद्धांत के अनुसार, जो हमने बताया है अफवाहू नियम के आधार पर ही काम करता है, तो अगर आप उसको नहीं सीखे हैं तो आप जाकर पहले उसको सीख लीजिए, तभी यह बात आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि 1s1 जब आ गया तो हम इसको ऑर्बिटल के आधार पर कैसे करेंगे। तो बाबू हमको इसको नहीं देखना, हमको इसको देखना है कि कौन सा कक्षक है, कौन सा उपकक्षा है एस। तो कौन सा कक्षक को डिनोट करेगा? एस कक्षक को डिनोट करेगा। और एस के पास कितने बॉक्स होते हैं? कितने होते हैं जी? एक। यानी इसका जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षक द्वारा होगा तो हमको इसको ऐसे डिनोट करना होगा, तो एक बॉक्स हमने बना दिया। अब यहाँ पर देखना है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना ऊपर डिनोट, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। और प्रत्येक बॉक्स में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? दो। और पहले क्लॉक में जाता है कि पहले एंटी में? तो पहले एंटी में कि क्लॉक में? पहले क्लॉक में। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्लॉकवाइज डिनोट कर देंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो गया किसके द्वारा? तो कक्षक द्वारा। इसके बाद बाबू हम लोग बात करते हैं दो हीलियम का। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले आपको ऐसे वाला लिखने आ जाना चाहिए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? दो। तो 1s2 ये सब लिखने आना चाहिए आपको, आ रहा होगा, अगर नहीं सीखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और फिर से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो ये फिर से कौन सा कक्षक मिल रहा है? एस कक्षक मिल रहा है। एस में कितने बॉक्स? एक। एक बॉक्स हमने बना दिया। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? दो। तो जब दो इलेक्ट्रॉन रहता है तो आपको तो पता है कि एक बॉक्स में अधिकतम दो ही इलेक्ट्रॉन रहता है, और जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? क्लॉक वाइज, यानी पहले क्लॉक में जाएगा तब जाकर एंटी में जाएगा, तो पहले क्लॉक। अब इसके पास देखो तो और इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ये आप तीर के निशान से भी डिनोट कर सकते हैं या हाफ तीर से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्लॉक में दे दिया, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन तो दो था। अब जब तक ए वाला पूर्ण रूप से नहीं भर जाएगा, एस ही है, ये है इसके पास, तब तक हम लोग आगे कैसे जाएंगे? तो अभी तो हमको एस में ही पहला में ही काम करना है, तो पहला यही है, एस यही है, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक क्लॉक में तो दूसरा एंटी में। तो ये हमारा हो गया कक्षक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? तो हीलियम का। इसी तरह से तीन अगर लिथियम की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2s2 नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन कितना है? तीन है, तो तीन इलेक्ट्रॉन को ही सजाना है, तो दो दो चार हो गया। तो सही कि गलत? गलत। तो हमको सही करने के लिए क्या चाहिए? तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1s3 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एस के पास अधिकतम कितना है? दो। तो इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू? 2s। अब जरूरत कितने का है? एक का है। तो ए हमारा हो गया कक्षा उपकक्षा द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अगर ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखने आ जाता है तो आप आसानी से इसको भी लिख दीजिएगा। अब देख लो बाबू, सबसे पहला है क्या? एस। पहला क्या है? एस। और एस के पास कितने कक्षक होते हैं? एक। तो हम एक बॉक्स बना दिए। इसके बाद फिर से देखो, फिर से क्या मिल रहा है? एस ही फिर से मिल रहा है, और एस के पास फिर से कितने बॉक्स होंगे? एक। तो फिर हमने बना दिया इसके पास दो बॉक्स। अब एक बात बताओ हमको बाबू, कि इसके पास जो पहला एस था इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। तो पहले हम लोग क्लॉक में देखेंगे, और ये एस के पास ही ना दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसके आगे तो नहीं जा रहा है, तो जब तक ये नहीं भरेगा जब तक आगे वाला में जाएगा नहीं, तो एक क्लॉक तो दूसरा एंटी क्लॉक, यानी ए हमारा क्लियर हो गया, इसमें हमारा भर गया। अब हमको इसमें भरना है, तो बाबू ए भी तो एस ही था, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन था? एक। और जब एक इलेक्ट्रॉन है तो एक कक्षक में अधिकतम क्या इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। रखना कितना का है? एक को। तो क्लॉक में कि एंटी में? तो क्लॉक में। तो ए हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? तो लिथियम का। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर हम सात नाइट्रोजन का देखें, सात नाइट्रोजन का, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो 1s2 2s2 और 2p3, ऐसा ही होता है।
1s2 2s2 2p3 2 2 4 4 3 7 इसके बराबर हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नहीं लिखना है हमको, कक्षक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिनोट करना है, और कक्षक को हम लोग बॉक्स से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बॉक्स से। तो हमको बॉक्स बनाना होगा। तो सबसे पहले देखना है कि कौन सा उपकक्षा है, एस है, और एस कक्षक में कितने बॉक्स होते हैं? तो एक। इसके बगल में फिर से कौन मिल रहा है बाबू? एस मिल रहा है। जब आप लोग सीख जाइएगा ना तो फिर आप लोग को टेंशन नहीं होगा। फिर से एस मिल रहा है तो एस के पास कितने होंगे? तो एक होंगे। फिर कौन मिल रहा? पी मिल रहा है तो पी के पास कितने हैं? तो पी के पास ऊपर देखिए कितने हैं, पी के पास तीन है, तो इसके पास तीन बॉक्स बना देंगे। जब आप लोग सीख जाइएगा ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, आप आसानी से लिख दीजिएगा। अब बताओ बाबू, एस ए वाला है, दूसरा एस ए वाला है और पी ए वाला है। अब P में तीन मिल रहा है तो एगो पी एक्स हो जाएगा, एगो पी वाई हो जाएगा, एगो पी जेड हो जाएगा। ये सब हम लोग बाद में सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको डिनोट करके कैसे पता करते हैं। अभी हमको बस सीखना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब यहाँ पर देख लो तो पहला एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है, तो पहला एस तो यही है ना जी, इसके पास एक क्लॉक में तो दूसरा एंटी में। इसके बाद आगे चलेंगे क्योंकि ये तो भर गया अधिकतम दो, तो आगे चलेंगे तो आगे इधर भी चल रहा है, इसमें भी दो है तो एक क्लॉक में तो दूसरा एंटी में। अब आगे चलेंगे तो आगे वाला पी मिल रहा है, पी वाला हमको तीन गो वाला बॉक्स दिख रहा है। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? तीन, तो एक एगो क्लॉक एगो एंटी और एगो क्लॉक। तो अगर आप इस तरह से लिख दिए तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने पहले क्या बताया कि जब तक जिस कक्षक में काम कर रहे हैं उस कक्षक का सभी बॉक्स एक क्लॉक वाइज से नहीं भर जाता है, जब तक एंटी क्लॉक में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो इसके पास देख लो तो ए वाला क्लॉक क्लॉक से भरा है, लेकिन ए वाला तो पूर्ण रूप से खाली है। तो जब तक ए क्लॉक वाइज से नहीं भरता है, जब तक हम इसमें एंटी वाइज में नहीं करेंगे, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहले हमको तीन इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन से इसको क्लॉक 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 में क्या करना होगा? भरना होगा, तब जाके हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग 9 फ्लोरीन का निकालना चाहते हैं तो 2p6 अब इसके पास 2 2 4 4 5 9। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखना चाहते हो कक्षक द्वारा तो लिख दो, पहले s मिल रहा है, फिर से s मिल रहा है और फिर p मिल रहा है। एक कक्षक हमने सजा दिया। अब बताओ s के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? दो, तो एक क्लॉक और दूसरा एंटी, क्योंकि s में ही खत्म हो जा रहा है तो इसको पूर्ण रूप से भरना है। फिर दूसरा s में जा रहा था, दूसरा s यहाँ है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉक तो दूसरा एंटी। इसके बाद p मिल रहा है तो पहले p को पूर्ण रूप से क्लॉक वाइज में भर देना है। अगर उसके बाद बच जाता है इलेक्ट्रॉन तो फिर हम लोग एंटी क्लॉक से चलेंगे। तो इसके पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? पाँच, तो एक दो तीन। लेकिन इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? पाँच है ना, अभी तो तीन ही फुल किए हैं। तो देखो तो ये तीनों तो क्लॉक वाइज में फुल हो गया, तब हम लोग एंटी में चलेंगे तो एंटी एंटी। अब हमारा ये काम सही हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके बराबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। चलो तो इस तरह से हमने क्या पता कर लिया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। अब इसमें हुंस रूल के आधार पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन और युग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जिस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं है, हम उसके बारे में आसानी से पता कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं कि किस परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो जोड़ा नहीं बनाते। तो आप देख सकते हैं इसके पास जोड़ा का होता है जो दो के साथ होता है, अजय अकेले रहे बेचारा जोड़ा नहीं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ए वाला कक्षक दिख रहा है, इसमें जो ए इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ए इलेक्ट्रॉन जोड़ा है कि अकेले है? जोड़ा है कि अकेले है? अकेले है ना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का जो संख्या हो जाएगा इसके पास कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन को हम लोग शॉर्ट में एन से डिनोट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है। अगर इसके पास पता करना का है तो इसके पास देखो तो कोई भी ऑर्बिटल है, कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना जी, तो हमको क्या चाहिए? अनपेयर। अनपेयर कहने का मतलब जिसका जोड़ा नहीं है, तो इसका तो जोड़ा है, तो यहाँ कहेगा कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, तो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसके बाद पूछ दे तो ए वाला तो जोड़ा है लेकिन ए वाला जोड़ा नहीं है, तो इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या एक। अगर इसके पास पूछ दे
कि बताओ तो जी नाइट्रोजन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो ये दोनों जोड़ा है, ये दोनों जोड़ा है, लेकिन ये देखो तो एक दो तीन, तीनों में से कोई जोड़ा दिख रहा है नहीं, यानी इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तीन। अगर इसके पास पूछ दे बाबू तो जोड़ा 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 जोड़ा, लेकिन ये जोड़ा नहीं है, तो इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, एन बराबर वन। तो इस आधार पे आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं बहुत अच्छे तरह से। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाबू, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना, आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए हैं, और समझ गए तो थोड़ा सा और आगे काम कर लेते हैं, उसके बाद आपको एच डब्ल्यू देते हैं, एक नए टॉपिक पे काम करते हैं, और फिर से मिलते हैं हम लोग एक नए चैप्टर के साथ। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग फिर से इस पे काम करते हैं, कुछ अच्छे चीज सीखते हैं। जैसे में संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा दिया है, आज कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में देख लेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख लिए, तो ये छोटे छोटे बात को जरूर देखिएगा, सब इलेक्ट्रॉनिक देख लिए हैं, सब न्यूट्रॉनिक देख लेंगे, तो ये सारे बात हमने पहले बेसिक में देख लिया है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, इसके बाद कुछ और देख लेते हैं आगे। चलिए नोट कर लिया, चलिए अब हमारा उम्मीद कह रहा है कि आप लोग सीख गए हैं, ये भी आसानी से अब बना दीजिएगा। चलिए इसके बाद देख लीजिए, अगर कोई आपसे कह दे कि 11 सोडियम में बताओ कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो आराम से बना दीजिएगा। सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दो, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब इसका क्या करना, ऑर्बिटल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, तो सबसे पहले कौन मिल रहा बाबू, एस, फिर दूसरा भी कौन मिल रहा बाबू, एस, इसके बाद तीसरा कौन मिल रहा बाबू, पी, इसके बाद फिर से कौन मिल रहा बाबू, तो एस। आपको यहीं पे देखना है, काम करना है, ये देखो 1s हो गया, ये देखो 2s हो गया, ये देखो 2p हो गया, और ये देखो 3s हो गया, इसके पास p है, तो कितने बॉक्स बन जाएंगे, तीन बॉक्स बन जाएंगे। अब s के पास एक दो इलेक्ट्रॉन है, s के पास भी दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना है, 6, और इसके पास कितना है, 1, तो बस इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर दो, इसके पास एक क्लॉक तो एगो एंटी, क्योंकि दो है तो पूर्ण रूप से भरेगा, एक क्लॉक तो दूसरा एंटी, इसके पास कितना है, 6, तो पहले हमको क्लॉक से भरना है, जब क्लॉक से तीनों ये भर जाएगा ऑर्बिटल, तब हम लोग एंटी क्लॉक में शुरू करेंगे। तो क्लॉक 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 भर गया, एक दो तीन, लेकिन इसके पास था कितना, 6, तो अब हम लोग एंटी में चलेंगे, तो ये हो गया 4 और ए हो गया 5 और ये हमारा हो गया 6, तो ये भी पूर्ण रूप से भर गया। अब इसके पास देख लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा हो गया क्लॉक वाइज। अब इसमें हमको पता करना है कि बताओ अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो बाबू अनपेयर दिख रहा है, 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 यहाँ यहाँ पे अनपेयर दिख रहा है, यानी यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, 1। तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि बताओ सल्फर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे, तो सल्फर का परमाणु संख्या 16, इसमें हमको निकालना है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 4, 16, तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दो, इसी के नीचे लिख देते हैं, तो पहले हमको s मिल रहा है, फिर हमको s मिल रहा है, फिर हमको क्या मिल रहा है बाबू, तो यहाँ देखो p मिल रहा है, तो p में 3 गो बनाएंगे, इसके बाद हमको फिर से क्या मिल रहा है, तो s मिल रहा है, फिर हमको क्या मिल रहा है, तो p मिल रहा है, तो p में फिर से 3 को बनाएंगे, 1, 2, 3। अब हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है इसमें सजा देना है, तो एक क्लॉक तो दूसरा एंटी, इसमें एक क्लॉक तो दूसरा एंटी, इसमें देखो 6 है, तो पहले क्लॉक 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 भर गया, अभी और चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो अब एंटी में चलेंगे, तो एंटी एंटी एंटी, अब देखो पूर्ण रूप से भर गया। इसके बाद चल रहे हैं, तो फिर से हमको एस मिल रहा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 है, एक ही बॉक्स है, तो एक बॉक्स में अधिकतम 2, तो एक एंटी, तो एक क्लॉक, एक क्लॉक तो दूसरा एंटी, और देखो पी में कितना है, 4 है, तो पहले क्लॉक से भर लेंगे। अगर आप लोग ऐसे ही शुरू में कर देते हैं कि क्लॉक एंटी, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको सबसे पहले हमने बता दिया है कि जब तक क्लॉक से इसके सभी विन्यास नहीं भर जाएंगे, जब तक एंटी में नहीं जाएगा, तो क्लॉक क्लॉक क्लॉक, अब ये पूर्ण रूप से भर गया बाबू, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन भर गया, 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो शुरू में करेंगे हम लोग 1 एंटी, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सही।
कक्षक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो गया। अब हमको पता करना है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब जिस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं हो, तो ये सब बॉक्स में आप देख सकते हैं कि जोड़ा जोड़ा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, लेकिन दो बॉक्स ऐसा दिख रहा है जिसमें जोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं है, दोनों अकेला अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो जोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं है यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है दोनों, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा बाबू? दो। यानी सल्फर में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? दो। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को यही पता चला कि अगर हम लोग हुंस नियम का पालन करते हैं तो हमको आसानी से ये बात पता हो जाएगा कि कौन से परमाणु में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। इसी तरह से एक और हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आप लोग एच डब्ल्यू बनाइएगा। अगर 20 कैल्शियम का निकालना चाहते हैं तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। और आपको अफवाहों का सिद्धांत के अनुसार ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना होगा, तब जाकर आप इसको सीख पाइएगा। 3p6 और 4s2। देख लीजिए गिनकर इलेक्ट्रॉन सही है या नहीं। 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 18, 2, 20। अब इसको हमको सजा देना है कक्षक में। तो सबसे पहले हमको s मिल रहा है, फिर हमको s मिल रहा है, इसके बाद हमको p मिल रहा है, इसके बाद फिर हमको s मिल रहा है, इसके बाद फिर से हमको p मिल रहा है, और इसके बाद फिर से हमको s मिल रहा है। तो इतना लंबा डिनोट करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप लोग सीख जाइएगा तो सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ ही डिनोट करना रहेगा, तो आप आसानी से बना दीजिएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1s, तो एक इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉक्स में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लॉक, तो दूसरा एंटी, इसमें भी क्लॉक एंटी, इसमें तीन बॉक्स बनेगा, तो तीन बॉक्स बना दिए, इसमें भी तीन बॉक्स बनेगा, तो तीन बॉक्स हमने बना दिया। अब इसके बाद फिर से क्या मिल रहा है बाबू? 2s मिल रहा है, भर दिए 2p6, तो p यहाँ पर मिल रहा है, तो पहले क्लॉक क्लॉक क्लॉक। अब हम लोग को आय आओ चाहिए ना, कितना चाहिए? 6 चाहिए, अभी भर कितना रहा है? 3 ही। तो हम अब उल्टा करेंगे, एंटी करेंगे, तो 4 हो गया, 5 हो गया और 6, ये भी अब भर गया। तो आगे चलेंगे, तो आगे चलेंगे तो कौन मिल रहा? 3s2, यानी फिर से हमको एस मिल रहा है, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो एक क्लॉक, तो दूसरा एंटी। इसके बाद फिर से हमको पी मिल रहा, तो पी में कितना बाबू? 6, तो क्लॉक क्लॉक क्लॉक, अब एंटी एंटी एंटी, इसके पास भी भर गया। अब आगे चलेंगे तो आगे हमको 4 मिल रहा है, तो 4 हमारा यहाँ हो रहा है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, तो इसके पास भी भर जाएगा पूर्ण रूप से, एक क्लॉक तो एक एंटी, यानी सभी के सभी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर गए। अब अगर आपको पता करने को कहे कि बताओ कैल्शियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो आपको कोई भी ऑर्बिटल दिख रहा है जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी वैसा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जिसका जोड़ा नहीं लगा हो, इसमें सब के सब तो जोड़ा लगे हुए दिख रहे हैं, यानी इसमें अगर पूछ दे कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 0। तो हम उम्मीद आप लोग से करें कि आप लोग ऑर्बिटल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से सीख गए होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल दीजिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, संयोजकता निकाल दीजिएगा। अब एक छोटा सा पॉइंट आपको बता देते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो चलो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लो, और ये हमारा एच डब्ल्यू रहेगा कि 1 से लेकर लगातार 30 तक आपको ए ऑर्बिटल वाइज यानी हुंस नियम के आधार पर इसी बॉक्स द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना रहेगा 1 से लेके 30 तक। तो चलो जल्दी से पहले आप लोग इसे नोट कर लो, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। हमने यहाँ पर क्या क्या सीख लिया बाबू? तो सबसे पहला चीज़ सीख लिया हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे तरह से, 5 तरह से हमने सीख लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। के बाद हमने एक चीज़ और सीखा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने सीखा है बाबू संयोजकता। इसके बाद हमने सीखा बाबू अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नंबर सीख लिया हम लोग। इसके बाद हम लोग अभी सीखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन है कुछ नहीं, कोर इलेक्ट्रॉन बस देखने में आपको लगेगा कि कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, लेकिन आज के बाद कहिएगा कि नहीं सर आप एकदम सही से बताए थे कि कभी हम भूलवे नहीं किए, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। और हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग रेगुलर रहिए, हम आपको कहते हैं कि केमिस्ट्री एकदम चटनी बना देंगे, यानी केमिस्ट्री में आपको कुछ भार दिखेगा ही नहीं, बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस तरह से रेगुलर रहिए और रेगुलर पढ़ाई कीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको देखना है और देखकर छोड़ देना है, इसको नोट्स करना, इस पर मेहनत करना, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा हम उम्मीद के साथ कहते हैं कि आप कितना भी पैसा बर्बाद
बर्बाद कर दीजिएगा कोचिंग में, फिर भी आपको इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना हम मेहनत आपको फ्री में कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही बने रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोर इलेक्ट्रॉन कहते किसको है? तो किसी भी परमाणु में, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन, किसी भी परमाणु में उपस्थित, किसी भी परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, किसी भी परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष अन्य इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर शेष अन्य इलेक्ट्रॉन को या शेष बचे इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? तो कोर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा परमाणु का कुल इलेक्ट्रॉन, परमाणु का कुल इलेक्ट्रॉन माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही तो हो गया कोर इलेक्ट्रॉन बराबर फार्मूला भाई, संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कोर इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल और साधारण है कि कोर इलेक्ट्रॉन आप आसानी से निकाल दीजिएगा। अब देख लीजिए, हम कुछ एग्जांपल आपको बता देते हैं, निकाल कर दिखा देते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कोई कहे कि सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन बताएं, तो सबसे पहले हमको क्या पता करना होगा? सोडियम का टोटल इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास 11 परमाणु संख्या, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी टोटल कितने होंगे? 11 होंगे। अब हमको क्या पता करना है बाबू? कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए हमको पता करना होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आपको हम कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने के द्रव्यमान में आपको बताया था संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो किसी परमाणु के जो सबसे बाहरी कक्षा होता है उसमें उपस्थित जो कुल इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाबू सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक होता है। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? एक होता है। अगर आप नहीं जानते कि कैसे निकालें तो आप जाकर पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आज से भी आप जुड़े रहिए, आपको समझ में आएगा। तो कोर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? तो कोर इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 माइनस बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, यानी टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो ये जो 10 निकला ना, यही है हमारा कोर इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। अगर कोई आपसे कह देता है बाबू कि यदि तुम कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहो तो क्या बताओगे? तो कैल्शियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 20। अब इसका कोर इलेक्ट्रॉन निकालना, तो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का कितना होता है? 2। तो कोर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाबू 20 टोटल इलेक्ट्रॉन है, माइनस 2 इक्वल टू कितना बच जाएगा बाबू? 18। और ये जो 18 होगा यही क्या होगा? कोर इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन भी आज हम लोग पता कर लिए कि किस तरह से हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। तो हमको उम्मीद कह रहा है कि अब आप लोग यहाँ पर ए भी सीख गए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोर इलेक्ट्रॉन सीख गए होंगे। इसके बाद आप लोग सम इलेक्ट्रॉनिक सीख गए होंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक सीख गए होंगे, सम न्यूट्रॉनिक सीख गए होंगे। और ये सब नहीं सीखे हैं तो आप लोग पीछे वाले बेसिक वीडियो में जाकर देख लीजिए, सम न्यूट्रॉनिक के बाद सम स्थानिक सीखे होंगे, सम स्थानिक सीखे होंगे, सम भारिक सीखे होंगे। ये सब आप लोग पहले चैप्टर के आधार पर जो भी बेसिक काम आने वाले हैं ये सभी बात हमने सीख ली हैं। तो अब हम लोग काम करेंगे कल चैप्टर के आधार पर कि हम लोग को पहला चैप्टर, कल से हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री शुरू हो रहा है, तो कल से आप लोग का 11th का पहला चैप्टर का शुरुआत हो रहा है। तो आज तक जो हमने ये सारा बात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो भी बात पढ़ा है, आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिए, आप इसे कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग कल से चैप्टर शुरू करते हैं, जो पहला चैप्टर वो भी हम लोग बेसिक ही पढ़ेंगे, यानी पहला चैप्टर में ही हम लोग को केमिस्ट्री का बेसिक ही पढ़ना है। तो कल से हम लोग शुरू करते हैं पहला चैप्टर, तो आप लोग जुड़े रहिए, बिल्कुल अच्छे से हम लोग काम करेंगे।